बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर पर टेंडर प्रक्रिया को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासती दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व सीपीएस सोहला ठाकुर द्वारा नगर परिषद पर अपने चहेतों को टेंडर आवंटन की नियत से नियमों को दरकिनार करने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सोमवार को इन आरोपों के खिलाफ नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने अन्य पार्षदों के साथ एक प्रेस वार्ता कर सोहलाल ठाकुर को तथ्यों को सत्यापित करने के उपरांत आरोप लगाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद है और टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। टेंडर प्रक्रिया को लेकर कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमों की पालना पूरी तरह से की गई है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। सुंदरनगर के पूर्व विधायक द्वारा जो मनगढ़ंत अज्ञानतावश जो आरोप लगाए गए हैं, इनका मेरे ख्याल बिना अज्ञानता से ये बात कहना कि टेंडर प्रोसेसिंग में धांधली है, ये गलत है और अपने व्यक्तियों को काम दिए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप निराधार हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रोसेस तीन बार टेंडर प्रोसेस हुआ उसमें 15 दिन का एक बार गैप था, दूसरी बार 15 दिन का था और तीसरी बार जो लगाया गया उसमें पूरे नियमों का पालन किया गया। अखबारों में जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उनके इसमें रहता है, उन्होंने पूरे उस सिस्टम को अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में जब ये कहना कि 23 तारीख को खबर लगी, ये बात उनके द्वारा जो कही गई लोकल अखबार में, हमने इसलिए दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के लोग और इसमें जुड़ सकें और इसमें हों, क्योंकि पिछली बार जब दो बार टेंडर लगे तो कम उसमें ठेकेदार थे, लेकिन तीसरी बार जब हमने ये प्रयास किया तो उसमें बहुत से लोग सहभागिता बनी और हमारे जो लगभग जो टेंडर थे वो 90% लोगों ने भरे उसमें और एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर ठेकेदार पहुँचे, उन्होंने उसमें प्रतिस्पर्धा भी अच्छी हुई। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें कर बौखलाहटवश ऐसे बयान देना काम में बाधा पहुंचाने की एक उनकी कोशिश है। मैं समझता हूं राजनीति में वो बड़ा अनुभव रखते हैं, अच्छा होता मेरे बड़े भाई होने के नाते वो सुंदरनगर के विकास के लिए कुछ हमें सुझाव देते जो उनके समय में काम नहीं हो सके, जो उनके मन में सुंदरनगर के लिए कुछ करने की बात उनके अगर विकास को लेकर होती तो वो हमें बताएं, हम उस पर काम करेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। शिवाई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब आपके शहर में, डॉक्टर पुरुषोत्तमपुरी की निगरानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ले लाभ। गुर्दे और मूत्राशय जैसे रोगों का इलाज अत्याधुनिक दूरबीन विधि से, ऑपरेशन के साथ अन्य बीमारियों का भी उपचार। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आए शिवाई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 53 मील टांडा रोड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।